Yes, there is a big news. Ranveer Singh और दीपिका पादुकोण ने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी है. दीपिका चली गई हैं लंदन रणवीर के पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने के लिए. That's surprising, right? पता चला है कि 3-4 महीने में ये दोनों शादी कर सकते हैं. वेडिंग डेट फाइनलाइज करने के लिए दीपिका के पेरेंट्स बैंगलोर से मुंबई पहुंचे थे लास्ट वीक. दीपिका की प्रभा देवी रेसिडेंस पर इस कपल के पेरेंट्स ने की मुलाकात और उसके बाद दोनों फैमिलीज और हीरो हीरोइन चल पड़े डिनर के लिए एट दी फोर सीजंस वर्ली. रणवीर सिंह और दीपिका वैसे डेस्टिनेशन वेडिंग चाहते थे पर अब नहीं होगी क्योंकि रणवीर के पेरेंट्स नहीं चाहते कि मुंबई के उनके रिलेटिव्स इस शादी को मिस करें, तो ये वेडिंग मुंबई में ही होगी. हालांकि इसे साउथ इंडियन रिचुअल से किया जाएगा और मुंबई के कई हाई प्रोफाइल वेन्यूज जैसे ताज, लैंड्स एंड, फोर सीजंस और सेंट रेजिस में इस शादी को किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है. शादी के बाद में ग्रैंड रिसेप्शन भी होगा. ये रिसेप्शन हो सकता है मुंबई के साथ साथ बैंगलोर में भी हो क्योंकि दीपिका की फैमिली वहां से बिलोंग करती है. साथ ही बता दें कि दीपिका ने ऑलरेडी फिर शादी की शॉपिंग शुरू कर दी है. दीपिका रणवीर के पेरेंट्स के साथ लंदन चली गई हैं और वहां पर ज्वेलरी और अपने कॉस्ट्यूम्स की खरीदारी उन्होंने शुरू कर दी है. दीपिका के साथ है रणवीर के बॉडीगार्ड, वहीं रणवीर के साथ दीपिका के बॉडीगार्ड हैं यहां, जहां रणवीर बिजी हैं जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय की शूटिंग में. एक करीबी सोर्स ने कहा कि ये दोनों पहले बीच वेडिंग करना चाहते थे लेकिन फैमिली ने मना कर दिया है और फैमिली और फ्रेंड्स की अटेंडेंस को देखते हुए शादी को मुंबई में किया जाएगा और एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. शादी एक क्लोज अफेयर होगी लेकिन इसका रिसेप्शन काफी ग्रैंड होगा.